अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जो कि हम डॉट और स्केलर प्रोडक्ट की एक्सरसाइज कर रहे थे। इसके एक्सरसाइज 3.4 के शुरू के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने अपना काम कर लिया था। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम 3.4 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से अपना काम शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन है कि मेजर ऑफ टू ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। डायरेक्शन एंगल्स हमें गिवन है। अब डायरेक्शन एंगल्स का मतलब ये होता है कि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गैमा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किए थे, तो डायरेक्शन एंगल को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं 60 डिग्री, और जो तीसरा गैमा है वो अननोन है और हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें पता है कि जो डायरेक्शन एंगल्स होते हैं, वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हमने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा की है 45, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि कॉस 45 और बाहर स्क्वायर लगा दें, प्लस बीटा की है 60 और बाहर हम स्क्वायर लगा दें। और गैमा तो हमें निकालना ही है वैसे भी, तो कॉस स्क्वायर गैमा को एज इट इज रहने दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर 45 कैलकुलेटर में डालिए तो ये रिजल्ट आता है 1/√2, और बाहर इसका स्क्वायर मौजूद है। कॉस 60 डिग्री ये आता है 1/2, बाहर स्क्वायर मौजूद है, प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1। अब ये 1/√ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2 रह जाएगा, और 1 के ऊपर स्क्वायर 1, 2 के ऊपर स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1। अब ये दोनों टर्म्स को उठा के हम इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो माइनस में हो जाएंगे 1 - 1/2 -1/4। और जब इसका हम एलसीएम ले लें अगर, तो यहाँ पे -1/4 है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके 2 है, इसके 1 है, तो आ जाएगा 4। तो 4 1 = 4 -2 2 = 4 एंड 2 1 = 2 -1, 4 - 2 - 1, 4 - 3, 4 - 3 = 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/4, राइट। तो अब यहाँ पे हमने स्क्वायर खत्म करना है क्योंकि हमें तो गैमा की वैल्यू चाहिए, तो पहले स्क्वायर खत्म करेंगे। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ताकि यहां से हम स्क्वायर खत्म कर सके, तो सिर्फ कॉस गैमा इज इक्वल्स टू 1/√1/4। जब यहाँ पे 1/√1/4 लेंगे तो ये आ जाएगा +-1/2। तो इसका मतलब ये है, जब अंडर रूट हटा तो 1/4, 4 का अंडर रूट आता है 2 और प्लस माइनस के साथ, तो एक दफा ये आ जाएगा +1/2 और एक दफा ये आ जाएगा -1/2। तो गैमा की वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉस दूसरी साइड पे जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2 करेंगे तो ये आता है 60। तो गैमा की वैल्यू आ गई 60, और दूसरी साइड पे हम निकालेंगे कॉस इनवर्स -1/2, -1/2 निकालेंगे तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी 120 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास गैमा की दो वैल्यूज आई हैं, तो गैमा या तो हमारे पास 60 डिग्री हो सकता है या फिर 120 डिग्री हो सकता है। तो इस तरह से हमने दोनों वैल्यूज निकाल के दिखा दी और यही हमारा रिजल्ट है, 60 और 120 डिग्री। तो ये तरीका है कि अगर हमारे पास दो एंगल्स गिवन है तो हम तीसरा एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास वर्क डन पूछा गया है और फोर्स हमें गिवन है।
फोर समय गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वर्क डन है, वर्क डन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये डी हम कैसे निकाल सकते हैं? एफ तो हमें गिवन है, एफ वेक्टर तो हमें गिवन है। अब डी निकालने के लिए, फॉर डी, डी निकालने के लिए ये, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट वन है, जिसको हम कहते हैं D1। D1 की वैल्यू क्या है? 427, और D2 है हमारे पास 6, 4 एंड 9। तो डी निकालने के लिए हमें D2 - D1 करना पड़ेगा, यानी कि D2 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 6, 4 एंड 9, माइनस करेंगे 427 के साथ। तो बेसिकली ये ऐसे लिखा हुआ है कि 4i + 2j + 7k, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको भी 6i + 4j + 9k लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट्स में लिखने हैं तो इस तरह कॉमा डाल के भी हम लिख सकते हैं। तो 6 - 4 तो ये हो जाएगा 2, 4 - 2 2, 9 - 7 ये भी 2। तो डी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो 2i + 2j + 2k। तो ये जो वर्क डन था, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, हम यहाँ पे आके वैल्यू पुट कर देंगे एफ की भी और डी की भी, तो वर्क डन निकल आएगा। एफ हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 7i + 9j - 11k, और डॉट लेंगे हम 2i + 2j + 2k के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह लिया जाता है? 7 2 14, i. तो ये तो 1 हो जाएगा, 9 2 18, j² 1 हो जाएगा, 11 2 22, k² 1 हो जाएगा। तो ये हमने निकालना है 14 + 18 - 22 करके, वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 10, और वर्क डन की यूनिट होती है जूल्स, या डायरेक्ट यूनिट भी लिखते हैं तो यूनिट्स ही रहने दें, राइट? तो वर्क डन हमारे पास आ गया 10 यूनिट्स, नॉट 8, 10। ये हो जाएगा 32 - 22, जो कि आ जाएगा 10 यूनिट्स, राइट? तो इस तरह से हमने इसका वर्क डन फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग वर्क डन फॉर्मूला। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए फाइंड आउट करनी है। और वेक्टर ए भी गिवन है, जो कि है i - 2j + 3k, और वेक्टर बी भी गिवन है 3i - j - 5k। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए डॉट बी न्यूमिरेटर में जाता है और डिनोमिनेटर में आ जाता है, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालने हैं उसका मैग्नीट्यूड। अब जब हम प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए निकालेंगे तो उसमें ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, राइट? तो स्टूडेंट, यहाँ पे ए डॉट बी न्यूमिरेटर में, पहले हम ए, इसका फॉर्मूला, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, और सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए वेक्टर हमें गिवन है i - 2j + 3k, इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है बी के साथ, जो कि है 3i - j - 5k। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 3 1 3 - - प्लस, j 2j है और यहाँ पे 1 है, 2 1 2 - 5 3 15, 3 + 2 = 5, 5 - 15, तो ये आ जाएगा -10। तो ए डॉट बी का तो आंसर आ गया -10, ए डॉट बी दैट इज इक्वल्स टू -10। और नेक्स्ट निकालेंगे हम बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड किस तरह से निकलेगा? अंडर रूट, ये बी वेक्टर है तो 3 का स्क्वायर
प्लस जे का कोफिशियंट है -1 -1 का स्क्वायर, के का कोफिशियंट है -5 -5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो 9 + 1 = 10, 10 + 25 = 35, तो बी का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया जो कि आया है √35। अब ये सब उठाएंगे और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 लिखा हुआ है जिसमें हम प्रोजेक्शन निकालने जा रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो ए डॉट बी -10 अपॉन √35, तो ये मेरे पास प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए आ गया, यानी कि -10 अपॉन √35। तो हम लिखेंगे प्रोजेक्शन अलोंग बी -10 अपॉन √35, राइट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए निकालना है, यहाँ पे बी आ जाएगा यहाँ पे ए आ जाएगा, प्रोजेक्शन जो मैं चेंज कर रही हूँ उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए निकालेंगे तो फर्क से कितना आएगा, न्यूमरेटर में तो ए डॉट बी रहेगा, डिनोमिनेटर में जिसके अलोंग हम निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ए डॉट बी तो अभी भी वैसे ही रहेगा, ए डॉट बी वैसे ही रहेगा, यहाँ पे हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो जब ए का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा √i का कोफिशियंट है 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 1 = 10, 10 + 4 = √14, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया √14। तो जब इसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो अलोंग ए वाले में तो ऊपर ए डॉट बी जो कि -10 है और डिनोमिनेटर में ए का मैग्नीट्यूड जो कि √14 है, तो अगर आपको अलोंग ए चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए तो इसका ये रिजल्ट, और प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी चाहिए तो इसका ये रिजल्ट है, तो दोनों का हमने फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। अब इसी तरह इसी का पार्ट 2 भी हम कर लेते हैं, पार्ट 2 में हमारे पास है 2i + 3j + 2k और बी वेक्टर है i + 2j + k, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए डॉट बी जो दोनों के लिए ही चाहिए, ए डॉट बी, तो वेक्टर ए है हमारे पास 2i + 3j + 2k, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम i + 2j + k के साथ, तो ये जाएगा 2 1 = 2 + 3 2 = 6 + 2 1 = 2, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 10, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई 10, राइट। अब हमने ए का मैग्नीट्यूड ले लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए √ a वेक्टर यहाँ पे है 2² + 3² + 2² तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 + 9 + 4 ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 17, √17। अब बी का भी निकाल लेते हैं अभी ताकि बस फॉर्मूले में पुट कर दें बाद में, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √बी वेक्टर क्या है i + 2j, i का कोफिशियंट 1, j का कोफिशियंट 2, k का कोफिशियंट 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर = 1, 2 का स्क्वायर = 4 एंड 1 का स्क्वायर = 1,
तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 6, अंडर रूट 6। बस अब चीजें हमने निकाल ली हैं, बस फॉर्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, अलोंग वेक्टर बी। तो इसका फॉर्मूला होगा ए डॉट बी, और जिसके अलोंग निकालना है उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में। तो ए डॉट बी तो 10 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज अंडर रूट 6, तो 10 अपॉन अंडर रूट 6 आ जाएगा अलोंग बी के लिए। अब निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, जिसके अलोंग निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आ जाता है, बी अलोंग ए। तो ऊपर तो वही रहेगा ए डॉट बी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी 10 है और ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 17, तो 10 अपॉन अंडर रूट 17। तो ये मेरे पास प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए आ गया। तो दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए, अलोंग बी ये और अलोंग ए 10 अपॉन रूट 17। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। पार्ट वन भी हमने सॉल्व कर लिया, इसका रिजल्ट भी हमने देख लिया, और पार्ट बी भी, यानी कि सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 10 का, इसको भी हमने डिटेल से सॉल्व कर लिया और प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास वर्क डन निकालना है, फोर्स गिवेन है। अब जब फोर्स भी हमें गिवेन है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेटा बना लेते हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन, वर्क डन और फोर्स हमें गिवेन है जो कि है 3i + 4j + 5k इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम पोजिशन ए टू पोजिशन बी अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ। यानी कि एक स्ट्रेट पाथ में, एक स्ट्रेट पाथ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये मेरे पास एक स्ट्रेट पाथ है, और जो वर्क डन लगा वो पोजिशन ए से पोजिशन, सपोज ये पोजिशन बी है और ये मेरे पास पोजिशन ए है, राइट? तो किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए पोजीशन ए से पोजीशन बी में जो हमारे वर्क डन, यहाँ का आर ए पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है जो कि है 2i + 5j - 2k, और यहाँ आर बी का पोजीशन वेक्टर भी हमें गिवन है 7i + 3j - 5k। अब स्टूडेंट, वर्क डन निकालने के लिए हमें पता है कि वर्क डन निकालने के लिए हमें एफ डॉट आर करना पड़ेगा, और आर किस तरह से निकाला जाएगा? आर निकालने के लिए आपको आर ए माइनस आर बी करेंगे। आर ए की वैल्यू भी गिवन है, आर ए है 2i + 5j - 2k, और आर बी की वैल्यू है 7i + 3j - 5k। अब इसको माइनस करवाएंगे, ये हो जाएगा 2 - 7 = -5i, +5 - 3 = +2j, -2 - -5 = +3k। तो आर तो हमारे पास आ गए। अब जो वर्क डन निकालना है एफ डॉट आर करके, एफ भी हमें गिवन है 3i + 4j + 5k, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे आर वेक्टर के साथ। आर वेक्टर हमने कैसे निकाला है? जो आर ए माइनस आर बी करके निकाला था, +2j + 3k। अब इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 3 5 15, और आई डॉट आई आई स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 2 8 + 5 3 15, तो -15 + 15 कैंसिल, वर्क डन इक्वल हो गया 8 यूनिट के, वर्क डन इज इक्वल्स टू 8 यूनिट। तो इस तरह से अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो आप उसके हेल्प से पहले आर निकाल लेंगे और फिर एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट
प्रोडक्ट लेंगे आर का, तो इस तरह से वर्क डन हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया, हमने 3.4 कंप्लीट कर ली। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।